हेलो एंड नमस्ते, सबको स्वागत है मुखर्जी होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका डॉक्टर अर्णब मुखर्जी। आज बात करेंगे कि गाउट के प्रॉब्लम से क्या क्या तकलीफ होता है और उसका इलाज या फिर मैनेजमेंट आप खुद से क्या कर सकते हैं जिससे ये ठीक होगा बा अच्छा रहेगा, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के बाद। गाउट के दर्द से तो बहुत लोग बहुत ही पीड़ित हो जाते हैं। बहुत तो क्या होता है कि पैर के उंगलियों में दर्द होता है, वो फूल जाता है या मतलब लाल हो जाता है, या फिर एड़ियों में दर्द होता है और हम सबको लगता है कि क्या हो गया, गाउट हो गया है। और गाउट का हम और एक भी टर्म यूज़ करते हैं, यूरिक एसिड। हम सबको पता है कि यूरिक एसिड हो गया है। तो ये गाउट जो है ये एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है, एक सूजन है। और ये होता है नॉर्मली जो यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो जमा होने के और वो शरीर में भी बढ़ जाने के वजह से। तो इसे क्या होता है, जो जॉइंट्स है वो दर्द हो जाता है, वो स्वेल अप हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमको होता है, बहुत दर्द होता है। कहीं पर अगर लग जाए तो बहुत झंझनाहट हो जाता है, मतलब और इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है और प्रॉब्लम देता है, तकलीफ देता है पेशेंट को। तो इससे इसका इलाज तो होम्योपैथिक इलाज तो हम बताएंगे ही, और उससे पहले आज जो बताएंगे कि उसका मैनेजमेंट क्या है, आप क्या खा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और क्या क्या आपको खाना नहीं चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है आपका। तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो महिलाओं के लिए है कि 2.5, मतलब कि 2.5 से 6 के बीच mg/dl, और जो पुरुषों के लिए है वो है 3.5 से 7 mg/dl तक। तो ये आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उससे पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल में है या फिर थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अगर बढ़ेगा तो आपको जो मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं वो खाना नहीं चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं वो है लिवर, मतलब के जो मांस हम खाते हैं, चिकन या फिर मटन का वो लिवर हम खाते हैं, वो सब नहीं खाना चाहिए। मटन को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, और जो है समुद्र के मछली जो है वो भी खाना नहीं चाहिए, और दाल मटर ये मधु या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब जितना हो सके आप ना खाए तो ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ सब्जियां भी हैं, जैसे पालंग हो गया, ये सब साग वगैरह नहीं खाना चाहिए आपको, और ब्रोकोली है, फूल गोभी है या फिर मशरूम है, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। दारू, कैफीन, ये सब भी आपको अवॉइड करना थोड़ा सा पड़ेगा। तो खा क्या सकते हैं, आप खा सकते हैं ओट्स, खा सकते हैं अनास, खा सकते हैं अंडा का जो दर्जी वाला हिस्सा यॉक जो है वो आप ले सकते हैं, आप जो खट्टा फल होता है आमलकी ये भी ले सकते हैं, या फिर नींबू भी ले सकते हैं। तो ये सब फल वगैरह ले सकते हैं जो खट्टा है, और जो है चिकन आप ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, समुद्र के मछली नहीं ले सकते लेकिन छोटा मछली ले सकते हैं। और जो पानी आपको पीना पड़ेगा वो 2.5 से 3 लीटर तो पर डे पीना ही पड़ेगा, प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर कम करके पीना पड़ेगा आपको। तो ये सारा आप अगर मान के चले तो आपका ये यूरिक एसिड जो है वो आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर आप ये वीडियो बहुत तेजी से चला गया होगा तो आप स्किप करके, थोड़ा सोरा करके, पॉज करके आप ये सब सारा चीज लिख के रख सकते हैं, उससे आपको मदद होगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका यूरिक एसिड कितना है और ये सब मान के आपको कितना फायदा हुआ, और हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम तो नंबर दे देते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां पर भी आप हमको फॉलो और डीएम कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कोई जानकार, मतलब कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उनको साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय होम्योपैथी, नमस्ते।